तो और अहम खबर की तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी ही बड़ी खबर है ये। कंवरपाल गुर्जर पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया, तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जगाधरी से बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, समर्थकों में उत्साह, जश्न का माहौल है घर पर। टिकट मिलने के बाद जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और समर्थकों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। तो टिकट मिलने के बाद कंवरपाल गुर्जर के घर पर जश्न का माहौल। 67 प्रत्याशियों के नाम आज सामने आ गए हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। जोगाजरी से बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी जा रही है। तमाम समर्थक मौजूद हैं क्योंकि बीजेपी में तमाम मंथन के बाद, तमाम बैठकों के बाद आज 67 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है और कंवरपाल गुर्जर पर दोबारा भरोसा जताया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है टिकट के ऐलान के बाद। टोरियाना न्यूज पर लगातार पल पल की अपडेट भी आप देख रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगभग 25 नाम ऐसे हैं जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर को एक बार फिर से जोगाधरी से टिकट दिया गया है। घर पर जश्न का माहौल, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई खिलाकर यहां पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम समर्थक। तो पटाखे फोड़े गए हैं और जश्न की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई टिकट के नामों को लेकर आज ऐलान तो कर दिया, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है और जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, मैं समझता हूं, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से, तीसरी बार उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं।